डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। हर साल पास्का का दूसरा रविवार विशेष रविवार है, क्योंकि यह न केवल पास्का का दूसरा रविवार है बल्कि यह दिव्य करुणा का रविवार भी है। इस रविवार को हम ईश्वर की अपार करुणा के बारे में मनन चिंतन करते हैं और दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं। ईश्वर के प्रेम को हम उनकी करुणा की बदौलत ही पहचान सकते हैं। ईश्वर करुणामय है और ईश्वर की करुणा को हम उसके पूरे मुक्ति योजना में देख सकते हैं। आज के सुसमाचार योहन 20:19-31 में येशु कमरे में बंद भयभीत शिष्यों के पास आकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। आज के सुसमाचार में येशु ने इस वाक्य को 3 बार प्रयोग किया है। डरे और भयभीत शिष्यों के लिए इससे ज्यादा सांत्वना देने वाला वाक्य शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता था। जब येशु ने यह कहा, तुम्हें शांति मिले, तो शिष्यों के मन में आनंद की लहर लौट पड़ी। सुसमाचार के शब्द कहते हैं, प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। उस स्थिति में शिष्यों के लिए शांति ही सबसे महान वरदान थी। इस तरह पुनर्जीवित येशु ने प्रकट होकर उनको अपनी करुणा दिखाई और उन्हें साहस और ढाढ़स प्रदान किया। आज जब हम दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं तो हमें जरा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें किस रूप में दिव्य करुणा की आवश्यकता है। वास्तव में इस शोर भरी दुनिया में देखें तो हम सबको सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। हम में से प्रत्येक जन शांति के खोज में लगे हैं, लेकिन कई बार सच्ची शांति हमें मिल नहीं पाती। धन दौलत, शान और शौकत, ऊंची नौकरी और समाज में इज्जत के द्वारा हम शांति की खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सच्ची शांति हासिल नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें मन को सुकून देने के काबिल नहीं होती। सच्ची मन की शांति पुनर्जीवित प्रभु ही दे सकता है। उस शांति की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। आज के सुसमाचार में हमें शांति का भंडार मिलता है। हम पढ़ते हैं, येशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यहां स्पष्ट है कि येशु ने न केवल शिष्यों को शांति प्रदान की बल्कि उन्हें शांति का साधन बनाते हुए भेजा। पवित्र आत्मा से परिपूरित करते हुए उन्हें पाप क्षमा करने के लिए अधिकार दिया। पुनर्जीवित येशु द्वारा प्रदत्त उसी अधिकार को एक पुरोहित पाप स्वीकार संस्कार में इस्तेमाल करते हैं। हमारी कमजोरियों, दोषों और छोटे बड़े गुनाहों के कारण भी हम अपनी शांति खो बैठते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम अपनी खोई हुई शांति वापस पा सकते हैं। पाप स्वीकार संस्कार में एक पुरोहित के माध्यम से येशु अपनी महती करुणा को दिखाते हैं। इसलिए ईश्वर की अपार करुणा का अनुभव करने के लिए और अपने मन की शांति को पुनः पाने के लिए हमें इस संस्कार से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दिव्य करुणा रविवार को आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहे और हम ईश्वर की शांति में जी सकें। आमीन।